हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास ये बजाज का ICX7 इंडक्शन कुकर रिपेयर होने के लिए आया है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेटल सेंस नहीं हो रहा है। तो आइए सबसे पहले इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे सप्लाई देता हूँ। ये मैंने इसमें सप्लाई दी है, मैं इसे ऑन करता हूँ। बीप का साउंड आ रहा है, मतलब मेटल रखने के लिए बोल रहा है। बर्तन, मैंने इस पर बर्तन रखा बट कोई भी ये सेंस नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कंटिन्यू बीप का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं बंद करता हूँ, सप्लाई से आउट करता हूँ। उसके बाद मैंने इसे ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, अब मैं इसका टॉप कवर को रिमूव करता हूँ। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले ये कैपेसिटर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला, इसको आप कभी भी निकाल के देख सकते हैं कि नीचे से कहीं फटा हुआ तो नहीं है। तो आप अगर निकाल के चेक करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी सप्लाई में सही बताता है बट लगे हुए में सप्लाई में चेक करते तो सही बताता है मल्टीमीटर से, पर नीचे से फटा हुआ होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर आप चेक कर लेंगे, एक 0.3 MFD का होता है और एक 5 MFD का होता है। तो ये आप चेक कर लेंगे, इसमें फटा हुआ तो नहीं है। अगर ये सही है तो उसके बाद आप ये जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं IGBT से, ये देखिए 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरियल पे, 4 सॉरी, और 2 अलग लगे हैं, एक इनपुट के लिए होता है कॉइल के और एक आउटपुट के लिए होता है। तो हमें फिर इसको चेक करना होता है। ठीक है, तो आपके सामने ही मैं इसे चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सप्लाई पर लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मल्टीमीटर को हम DC में सेट करेंगे। ये मेरा मल्टीमीटर है, ये मेरा DC पे ऑलरेडी सेट है 600 वोल्ट पे। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। उसके बाद नेगेटिव प्रॉप को आपको नेगेटिव पॉइंट पे रखना है, ग्राउंड कोई भी हो। यहाँ पे भी ग्राउंड है, और ये ब्रिज रिएक्टिफायर का जो ये वाला लैग है ये भी ग्राउंड है, तो मैं इस पर रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको 350-340 वोल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा है, जो कि नहीं है। ऐसा ये ख़राब है, रेजिस्टेंस इसीलिए ख़राब है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 170-180 वोल्ट आना चाहिए, ये 270K का रेजिस्टेंस है, तो इसमें 170-180 वोल्ट आना चाहिए, पर ये नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आगे भी आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं आगे भी सप्लाई नहीं मिलेगी, सिर्फ इसके स्टार्टिंग पे ही मिल रही है। तो आपके सामने इसे हम सबसे पहले हटाते हैं सप्लाई से और इसे निकालते हैं। ये मैंने निकाल लिया है, मेरे पास ये रेजिस्टेंस है 270K का। ठीक है, मल्टीमीटर में हम आपको चेक करके दिखाता हूँ, और इसका जो रेजिस्टेंस है ख़राब वाला वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में डाला 2M में, क्योंकि 200K हमारा मिनिमम है, उसके बाद 2M है, तो हम 2M में डालेंगे क्योंकि 200K से ज़्यादा है वैल्यू रेजिस्टेंस की। तो आप देख सकते हैं ये मैंने रेजिस्टेंस मोड पर डाला है, एक प्रॉप को मैंने यहाँ डाला, एक यहाँ पर लगाया, 270 की आ रही है मेरी वैल्यू। ये मेरा रेजिस्टेंस नया सही है। अब इसका ख़राब रेजिस्टेंस ये वाला जो हमने अभी निकाला, एक साइड में रखता हूँ, दूसरे साइड ये लगाता हूँ, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो अब इसे हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमने चेंज कर लिया है, अब इसे हम फिर से सप्लाई पे लगा के वोल्टेज मेज़र कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने सप्लाई दी, मल्टीमीटर को DC पे डाला, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव प्रॉप को ब्रिज के नेगेटिव पे लगाता हूँ। ये देखिए 340 वोल्ट जो आ रहा था आ रहा है। अब जो रेजिस्टेंस हमने चेंज किया यहाँ पर चेक करते हैं,
200 आ रहा है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज 10-20 ऊपर है, उस समय वोल्टेज 245 था, तो 170-180 आ रहा था, अब आ रहा है 200। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे चेक किया, यहाँ पर 3 वोल्ट 4 वोल्ट आ रहा है। अब ये हमारा पीसीबी सही हो चुका है। अब इसे हम सप्लाई से निकाल के लगा के चेक करते हैं। ये हमने सीरीज़ पे सप्लाई दी है। उसके बाद पॉट रखते हैं, ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा सीरीज़ का बल्ब ग्लो हो चुका है। अब इसे हम डायरेक्ट लगाएंगे सप्लाई पे। ऑन किया हमने, हमारा इंडक्शन गर्म होना चालू हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।